हवा में उड़ती हुई ये पूरियां और तवे पे ये गर्म गर्म पराठे खाने का तो अपना ही मजा है। तो ये आपको मिलेगा खाकी शाह पुल जान आइसक्रीम वाले रोड पर। अस्सलाम वालेकुम खवातीनो हजरात, मैं हूँ आपका छोटा भाई मेघवदोग 786। तो गाइज आज हम आए हुए हैं खाकी शाह पुल पर एंड भाई वालों के अंडा पराठा और हलवा पूरी ट्राई करने। अंडा पराठा भी यहाँ पर आपको मिलेगा और हलवा पूरी भी, इन दोनों चीज़ों में से एक चीज़ ट्राई करेंगे और देखते हैं अच्छी है या नहीं। तो चले हमारे जो शॉप के ओनर थे वो आ गए, ये इनका बेटा है। अस्सलाम वालेकुम भाई। तो भाई आप अपने शॉप का एड्रेस बता देना एक बार। ये कैसे सही, आपकी जो हलवा पूरी उनका प्राइस क्या होता है? सही, और कौन कौन सी चीज़ें आपके पास? अंडा पराठा है, वो भी अवेलेबल है। अच्छा, होता है आपको बता दी। अभी हम दिखाते हैं ये भाई अंडे पराठे कैसे बनाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं भाई जल्दी जल्दी से आटा बनाते जा रहे हैं, इससे पराठे बनते जाएंगे। और भाई वालों की माशाल्लाह से इतने ऑर्डर लगे पड़े हैं क्योंकि लिए आज संडे, तो संडे पर सब जो घर वाले होंगे अंडा पराठा खा रहे हैं। ये चेक कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 पराठे हैं और भाई भी बनाते जा रहे हैं। तो अभी चलते हैं अंदर और इनके साथ आपको मिलेंगे यहाँ पर छोले और हलवा पूरी। तो अभी चलते हैं, वो भी टेस्ट करते हैं। ये आप चेक कर सकते हैं, ये इनके छोले और इनके साथ भी हलवा भी पड़ा है और दूसरी भी एक चीज़ पड़ी हुई है और ये हमारी पूरी पड़ी है। तो अभी चलते हैं हम अंदर और इनका जो रेस्टोरेंट है वो भी आपको दिखाते हैं। ये छोटी सी जगह है, तकरीबन 10-12 जने यहाँ पर बैठ सकते हैं और ये काउंटर है। तो अभी हम भी बैठते हैं और इनकी जो हलवा पूरी वो ट्राई करते हैं। तो गाइस हमारी जो हलवा पूरी थी वो तो आ गए, अभी आप उसको दिखाते हैं। ये हमारी पूरी और उसके साथ हमें दिया गया है हलवा, ये आप देख सकते हैं। इसके साथ हमारे पास छोले और आलू भी दिए हुए। तो सबसे पहले इसके साथ हलवे के साथ ट्राई करते हैं। जो हमने लास्ट टाइम हलवा पूरी ट्राई की थी उनके छोलों से अच्छे हैं ये बहुत ही। ऐसी के लिए संडे पर यहाँ पर छोले होती है, ज़्यादा रश उनकी पराठों पर थी हमने जो देखी। बाकी उनकी पूरियाँ भी सही है, अभी आलू भी साफ़ आलू के कुछ थोड़े कटपटे हैं और इनका जो आलू का मसाला है ऐसा लग रहा है कि समोसा में डला होता है ना, अंदर उनके वैसा इनका फ्लेवर है। मैंने जान पूरी खाई है, हलवे के साथ बड़ी अच्छी खाई है। बाकी इनका जो तीसरा साला है आलू का वो नॉर्मल है। भाई आपकी पूरी तो बड़ी मज़ेदार थी। ओके भाई अल्लाह हाफिज़। ठीक है, तो गाइस भाई वालों की जो हलवा पूरी थी वो तो बड़ी मज़ेदार थी। अभी हम चलते हैं अपने घर पर वापस, अगर बीच में कोई अच्छी चीज़ नज़र आ गई तो वही भी खाएंगे। तो अभी हम ट्राई करते हैं समोसे जो जान आइसक्रीम मतलब वो देखते हैं कौन सी है। आयान होटल के बहुत ही प्यारे से समोसे हैं, वो खाते हैं, अभी ट्राई करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, समोसे देना दो। तो गाइस आप ये समोसे भी चेक कर सकते हैं, ये मैं तकरीबन 2-3 साल पहले मैंने ये समोसे खाए थे, बड़े ही मज़ेदार थे। अभी ये भी अभी ट्राई करते हैं जो समोसे जी। ये आप देख कर सकते हैं समोसे रोल एंड नमक पारे और पकोड़े, सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर पड़ी हुई। तो बहुत मैंने पहले ट्राई की हुई थी केचप के साथ, बहुत ही अच्छे लग रहे थे, पर अब इन्होंने भाई वालों ने केचप बंद कर दिया है। अब देते हैं ये रायता,
कितने में? 60। सो गाइज, हमने भाई वालों के साथ ये समोसे भी परचेज कर लिए। एक समोसा हमें मिला 30 रुपीज़ का और जो दो समोसे थे वो मिले 60 रुपीज़ के। तो अभी हम चलते हैं किसी साइड पे बैठकर ये समोसे खाएंगे, क्योंकि लिए वहाँ पर तो सही से बैठने की जगह नहीं थी। तो चलते हैं, कोई कोना वगैरह ढूंढते हैं, वहाँ पर खाते हैं। और एड्रेस पे आपको मैंने सही से नहीं दिखाया, वो भी अभी आपको मैं सही से दिखाता हूँ एड्रेस। सो गाइज, ये खाकी शॉप पर जहाँ पर वो आपको हलवा पूरी वाला मिलेगा, और सामने आप देख सकते हैं जान बेकर्स, तो यहीं पर आपको रास्ते पे मिलेगी वो हलवा पूरी जो मैंने आपको दिखाया अभी खाकी।